Hi everyone, welcome back to my channel Neha Rohit Vlogs. I hope you all are doing good. So today is day number 14 of my 30 days weight loss challenge. So start कर दिया है मैंने अपना stretching के साथ workout. So सबसे पहले हम as usual stretching करेंगे. Stretching करना guys बहुत अच्छा होता है workout से पहले. उससे हमारी muscles जो हैं वो open up हो जाती हैं and हम easily जो है workout कर सकते हैं. मतलब फ्रीज नहीं होती है हमारी बॉडी वर्कआउट करते टाइम फिर अगर हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. सो गाइज काफ़ी जो है मेरा वेट कम हुआ है. वैसे तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन जिस तरीके से मेरी डाइट चल रही है क्योंकि बीच में मैंने कई बारी जो है मीठा वगैरह भी खा लिया है. हम हर बारी जो है ब्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं बिकॉज हर टाइम तो देखो पॉसिबल भी नहीं हो पाता. लेकिन हाँ जैसे एवरी संडे मेरा कुछ ना कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत जंक. लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ गाइस. सो मैं उसको अगले दिन कंपनसेट कर देती हूँ सो दैट मेरा वेट ज़्यादा ना बढ़े. सो ये सारी चीज़ें हैं गाइज. और बाकी गाइज देखो मेरा थोड़ा सा वेट जो है ना अभी स्टक हो चुका है. जैसे पहले 76 पे स्टक हुआ था, फिर 70 पे स्टक हुआ था, फिर 69 पे स्टक हुआ था एंड देन अब 63 पे स्टक हो गया है. तो उससे नीचे वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है. सो इसी वजह से मैं कुछ कुछ जो है अपने वर्कआउट में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ. सो दैट मैं देखूंगी कि शायद क्योंकि होता है इस वजह से भी वर्कआउट जो है मतलब अगर आप चेंज नहीं करते हो सेम वही करते रहते हो तब भी हमारा वेट स्टक हो जाता है. थोड़ा बहुत डाइट में भी चेंजेस लाऊंगी सो दैट वर्क जो वेट है 63 पे स्टक ना होके एंड कम हो जाए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो मोटो है गोल है सिर्फ 59-60 है. मैक्सिमम 59 भी हो जाए वो मेरे लिए मोर देन इनफ है क्योंकि मेरी हाइट 5'5" है. सो इस वजह से मुझे 59-60 इसके बीच में ही अपना वेट चाहिए. फिर उसके बाद मैंने अपना वेट जो है मेंटेन करना है. सो स्टार्ट कर दिया है वर्कआउट गाइज. जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना सो दैट आपको मेरे हर न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप इसी तरीके से जो है मेरे वर्कआउट वाले सीरीज को इंजॉय कर सकें एंड अपना भी वेट मेरे साथ साथ कम कर सकें लूज कर सकें. सो चलिए फिर बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने आज डे 14 में मेरी डाइट क्या रही. सो स्टे ट्यून्ड इन माय ब्लॉग.
सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डे 14 की मेरी डाइट। मॉर्निंग में मैंने जो है वार्म वाटर लिया, जिसमें मैंने लेमन स्क्वीज करा था। ये फैट लॉस ड्रिंक होती है गाइस, काफ़ी अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। एंड उसके बाद मैंने मॉर्निंग में जो है ये होल व्हीट सेमोलिना की, होल व्हीट ड्रम सेमोलिना की जो है पास्ता मैक्रोनी है ये, तो मैंने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स डाल के साथ में चाय ली थी, ये खाया। देन मैंने पपाया खाया। लंच में मैंने जो है अपने लिए मसाला छाछ बनाई, छोले चावल लिए, साथ में क्यूकम्बर लिया। छोले चावल मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में लिया था, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवनिंग में मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने वेजिटेबल जो है सैंडविच बनाया, सिर्फ खीरा एंड टमाटोज डाल के, साथ में थोड़ा सा केचप लिया था, सीजनिंग करी थी थोड़ी सी, बिल्कुल सिंपल सा बनाया था एंड काफ़ी अच्छा बना था। साथ में विदाउट जैगरी चाय ली। डिनर में दाल मखनी ली एंड साथ में सैलेड था, एक रोटी थी, और साथ में गाइस ये मैंने अफगानी चाप ले लिया था। बट ठीक है, समटाइम्स खाने का मन होता है तो आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, खा सकते हैं। तो ये थी आज मेरी डे 14 की डाइट। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।